अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। क्या मैच हुआ आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में। सोचा तो यही था कि कल हांगकांग पाकिस्तान का मैच होने के बाद दोनों मैच का एक साथ तबसरा देंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैच रहा है। पता ही नहीं चला लास्ट तक कि गेम कभी इधर कभी उधर जा रही थी। जहाँ तक बांग्लादेश की बात थी, उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन शुरुआत से भी ज़्यादा उन्होंने फिनिश अच्छा किया था जब वो पहली इनिंग में खेल रहे थे। और जब उन्होंने दूसरी इनिंग की शुरुआत की श्रीलंका ने, पहले पावर प्ले बहुत अच्छा खेला, बाद में जो नया डेब्यूटेंट था इबादत हुसैन आके उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, चढ़की बॉलिंग की, लेकिन साथ साथ उसको एक खालिश रियलिटी भी पता चली कि इंटरनेशनल क्रिकेट की, कि यहाँ हर एक दिन जो घास है हरियाली नहीं होती है। क्योंकि जब वो सेकेंड स्पेल में आए, जिस तरह से वो कुटे, वहाँ पर चाहिए था कोई भी सीनियर प्लेयर आके उनको समझाते कि ये इस गेम का हिस्सा है, कि इस तरह से होता है, लेकिन कोई मुझे लगा नहीं कि जो उसको आके समझा ले, कि बस वो दूर से ही उसको दिखाए जा रहे थे और वो कुटे जा रहा था। बट श्रीलंका का जहाँ तक सीन था कि उन्होंने कौशल मेंडिस ने अपने चांसेस लिए, दो तीन चांस भी मिले उसको, और जिसकी वजह से वो गेम ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में लेके गया था बांग्लादेश से। जहाँ बांग्लादेश और श्रीलंका में मेन डिफरेंस जो रही वो एक्स्ट्रास की रही है। बांग्लादेश ने कुछ 10-12 एक्स्ट्रा जो दिए, जो जिसमें नो बॉल थे, वाइड थे, और हमें पता ही है कि नो बॉल पे एक्स्ट्रा और फिर रन बन जाते हैं। एक तो कम से कम दो ओवर ने एक्स्ट्रा किए, और लास्ट पे जो फिर से जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में हुआ था कि एक्स्ट्रा फील्डर अंदर बुलाना पड़ा था, जिसकी वजह से बैटर को थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है और बॉलर के जहन में ये दबाव रहता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, कि मैं किस लाइन लेंगे पे डालूंगा अपनी बॉल। और उनको शायद से लॉन्ग ऑफ के बजाय, क्योंकि 8-9 बैट्समैन था लास्ट पे, शायद लेग साइड पे ही सारा कुछ पैक कर लेते तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता। बट श्रीलंका ने दिलेरी का मुजारा दिखाया, जो भी आया अपने चांसेस लेता गया और समहाउ वो सुपर फोर में पहुंच गए। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उनके कैप्टन की, जिस तरह से उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। कप्तान उनका बहुत कूल है, उन्होंने एक रिसेंट पास्ट में ऑस्ट्रेलिया को भी इस तरह से कूटा था, और एज ए फिनिशर, जिस तरह से उन्होंने बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि वो चाहते तो थोड़ा सा ऊपर आ जाते बैटिंग लाइनअप में, लेकिन टीम की नीड को लेके वो एज ए फिनिशर रोल अदा करना चाहते, जो वो बखूबी निभा रहे हैं। बांग्लादेश थोड़ा सा एक्सपोज हो गया बॉलिंग में लास्ट पे, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि स्पिनर ज़्यादा कुछ डिफेंड नहीं कर पाता है लास्ट पे, लेकिन शकीब ने मेरे ख्याल से चांस अच्छे लिए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम मैं स्पिनर को आगे दिखा दूंगा तो बाद में कुछ ज़्यादा उतना नहीं रहेगा। वो गेम को किल करने के लिए गया था वहाँ पर, जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे, बट समहाउ उसके जो बॉलर्स है वो लास्ट पे उसको कंटेन नहीं कर पाए। खासकर इबादत ने जो पहला स्पेल किया था, उसके बिल्कुल अपोजिट में उसका दूसरा स्पेल चला गया। दोनों टीमों ने अच्छा खेला और बहुत फाइटिंग मैच रहा। श्रीलंका विनर्स इमर्ज हो गए और सुपर फोर में उन्होंने जगह बना ली। होप्स हो कि इससे आगे जो टूर्नामेंट है अच्छा चले, और कल का पाकिस्तान और हांगकांग का मैच देखते हैं। पाकिस्तान को काफ़ी परेशानी हो गई, कई एक मिनो टीम आके जिनको लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, अगर उन्होंने कुछ चमत्कार कर दिया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादा स्टेक पे चीज़ें लगी है एज़ कम्पेयर टू हांगकांग। हांगकांग को क्या है कि वो आके खेलेंगे और अपना जो भी उनको ब्राउनी पॉइंट्स देने होंगे लेके, उनके लिए वही एजाज़ है कि बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। और आज का मैच ब्रेथटेकिंग था, हैट्स ऑफ। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं और एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।